हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर एकेडमी आप सभी का वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आए हैं दोस्तों। आज का जो मेरा स्टॉक है वो है PCBL लिमिटेड। इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक को अगर हम पिक करें अपने पोर्टफोलियो में तो कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द स्टॉक, अबाउट द कंपनी जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, क्या इनके प्रोडक्ट्स। इनकॉर्पोरेटेड इन 1960, PCBL लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल कार्बन ब्लैक एंड ऑल्सो डज सेल ऑफ पावर। ये जो स्टॉक है PCBL लिमिटेड, ये क्या करती है, ये कार्बन ब्लैक सेक्टर से बिलोंग करती है और ये ना कार्बन ब्लैक को मैन्युफैक्चर और सेल करती है। इनके मेन प्रोडक्ट्स यही हैं। नेक्स्ट हम इसके बिजनेस ओवरव्यू को जानते हैं। कंपनी इज पार्ट ऑफ RP संजय गोयल एंड इट इज द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड सेल्स ऑफ सल्फर टू आउटसाइडर। एक्चुअली ये जो है, ये कंपनी अ पार्ट ऑफ RP संजय गोयनका ग्रुप से बिलोंग करती है और इनका जो बिजनेस है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी है, क्योंकि ना ये कंजप्शन करना चाहती है सेल्स ऑफ सल्फर एंड आउटसाइड फॉर द आउटसाइडर के लिए। नेक्स्ट हम इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जानते हैं। कंपनी हैज अ 4 प्लांट लोकेटेड एट दुर्गापुर। दुर्गापुर में इसके 4 प्लांट है जो लोकेटेड हैं। नेशनल प्रेजेंस भी हैं बहुत सारे, जैसे कि 45 कंट्रीज, जैसे कि USA, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, एशिया, पैसिफिक, ये सारे रीजन्स में इनके इंटरनेशनल प्रेजेंस। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप को जानते हैं। फिस्कल ईयर 22 में सेल्स ऑफ कार्बन प्रोडक्शन से 98% का रेवेन्यू आया है, सेल्स ऑफ पावर से इनको 2% का रेवेन्यू आया है। हमने अबाउट द कंपनी जाना, कंपनी के बिजनेस को जाना, फिर उसके प्रोडक्ट्स को जाना, रेवेन्यू मिक्सअप्स को जाना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम इसके ना फंडामेंटल को जानते हैं कि फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है ये जो स्टॉक। इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 158 रुपीज। इसका जो मार्केट कैप है वो है 5,968 करोड़ का। पी जो है वो है 13.9। पी के हिसाब से ये एक अंडरवैल्यू स्टॉक है। ROC जो है वो 17% का है। नेटवर्थ जो है स्टॉक की वो है 2,830 करोड़ का। इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है 3 इयर्स में वो रहा है 21.2% का। बुक वैल्यू जो है स्टॉक की वो 75 रुपीज है। ROE जो है वो 15.7% है। इसका जो EPS है वो 11.7 रुपीज का है। सेल्स ग्रोथ जो ओवरऑल रहा है वो रहा है 29.9% का। ROC जो 7 इयर्स में रहा है वो 17.4% का है। स्टॉक का अब तक का जो हाई गया है वो गया है 164 रुपीज। अब तक का जो लो गया है वो गया है 103 रुपीज। डिविडेंड येल्ड, अपने इन्वेस्टर को ये डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, 3.52% का ये डिविडेंड प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर्स को। इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 है। सेल्स ग्रोथ जो 5 इयर्स में रहा है वो रहा है 17.7% का। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं कि स्टॉक में क्या खूबी और क्या कमी है। सबसे पहले हम प्रोज को जानते हैं। स्टॉक इज प्रोवाइड गुड डिविडेंड येल्ड ऑफ 3.50%। स्टॉक जो है वो गुड डिविडेंड येल्ड प्रोवाइड कर रहा है 3.50% का। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो गुड क्वार्टर देगी। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 43.3%। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 43.3% का। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हैज रिड्यूस फ्रॉम 49.4 डेज टू 39.2 डेज। कंपनी ने अपना वर्किंग कैपिटल 49.4 डेज से रिड्यूस करके ना 39.2 डेज रख दिया है। स्टॉक के ना प्रोस थे। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना कॉन्स को जान। कंपनी माइट बी इन कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करेगी, ये जो था ये कॉन्स था। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं। इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो जून 2020 में 53.56% का था, जो कि मार्च 2023 में अभी 51.4% का है। FII की जो यहाँ पे होल्डिंग थी मार्च जून 2020 में 10.46% की थी, जो कि अभी मार्च 2023 में 6.34% की है। यहाँ पे जो DII का इन्वॉल्वमेंट है वो जून 2020 में ना 1.34% का था, जो कि मार्च 2023 में 8.15% का है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर जून 2020 में 1.36% का था, जो कि मार्च 2023 में 1.24% का है। यहाँ पे जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है जून 2020 में 33.28% था, जो कि मार्च 2023 में 32.85% है।
तो दोस्तों ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न था। तो दोस्तों ये मेरा स्टॉक एनालिसिस था। ओवरऑल इस स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो गुड है। आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। फ्यूचर में इसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।